लॉरस लैब के एक शेयर की कीमत मार्च 2020 में 65 रुपए के अराउंड थी, यही अब 630 रुपए के अराउंड है। तो ऐसी क्या खास बात है लॉरस लैब के स्टॉक में कि ये स्टॉक ने पिछले 18-19 महीनों में ऑलमोस्ट 10 गुना तक का रिटर्न दिया है। इसके अलावा मोर इम्पोर्टेंटली कि क्या लॉरस लैब का स्टॉक आने वाले टाइम में भी मल्टीबैगर रिटर्न देना कंटिन्यू करेगा, ये सारे सवालों के जवाब मैं आपके साथ ये वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। और जब तक मैं ये एनालिसिस प्रेजेंट करता हूँ, नीचे कमेंट बॉक्स में जाइए और मुझे बताइए कि क्या आपके पोर्टफोलियो में ऑलरेडी लॉरस लैब है। लॉरस लैब एक फुल्ली इंटीग्रेटेड फार्मा और बायोटेक कंपनी है जो एक्टिव फार्मा इंग्रेडिएंट या API के बिजनेस में स्पेशलिटी रखते हैं। सरल भाषा में API फार्मा में वो बिजनेस सेगमेंट है जो एंड दवाइयों में लगने वाला केमिकल बनाते हैं। लॉरस लैब एक लीडिंग API सप्लायर है एंटी रेट्रोवायरल के एरिया में, और HIV से रिलेटेड मेडिकेशन में इनका अच्छा खासा मार्केट शेयर है। पर यहाँ पे जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज है ना, वो ये है कि API बिजनेस के साथ साथ लॉरस लैब अब फार्मा के बाकी एरियाज जैसे कि एंड दवाई बनाने का बिजनेस या फॉर्मुलेशंस, ये सारे सेगमेंट में भी बहुत एग्रेसिवली जा रहा है। सिर्फ इतना ही नहीं, API और फॉर्मुलेशंस के साथ साथ ये ग्लोबल फार्मा कंपनीज को क्रैम्स या रिसर्च की सर्विसेज भी देता है, जो अपने आप में ही एक उभरता वर्टिकल है। बहुत रिसेंटली एक एक्विजिशन के थ्रू लॉरस लैब ने लॉरस बायो नामक एक डिविजन भी एस्टेब्लिश किया है जो फोकस करता है एनिमल ओरिजिन फ्री प्रोडक्ट्स पे। और दोस्तों, फार्मा इंडस्ट्री में ना एनिमल ओरिजिन फ्री प्रोडक्ट्स आने वाले टाइम में एक बहुत बड़ा गेम चेंजर रहने वाले हैं। तो नेट नेट टू टेक अवे यहाँ पे ये निकल के आ रहा है, भले ही लॉरस लैब ने अपने आप को API के बिजनेस में स्टार्ट किया हो, बट फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में अक्रॉस द वैल्यू चेन जो बिजनेस सेगमेंट्स होते हैं ना, यहाँ पे भी अब बहुत एग्रेसिवली लॉरस लैब एक्सपांड कर रहा है। इनफैक्ट लॉरस लैब एक ऐसी कंपनी है जो R&D या रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे भी बहुत फोकस करती है। इनफैक्ट इनके इनहाउस 750 साइंटिस्ट है सिर्फ रिसर्च के लिए। किसी भी स्टॉक का बिजनेस समझने के बाद वो स्टॉक की फ्यूचर बिजनेस विजिबिलिटी भी समझना बहुत जरूरी है। तो जैसे कि मैंने आपके साथ शेयर किया, लॉरस लैब आने वाले टाइम में फॉर्मुलेशंस के बिजनेस पे फोकस रखने वाला है, और इनफैक्ट ये साल यानी कि FY22 में ये अपना केपेक्स 1.8 टाइम से इंक्रीज करेगा। ये फिनोमिनल साइन है दोस्तों। इनफैक्ट इनके कोर API के बिजनेस सेगमेंट में भी ये नए नए थेरोपेटिक एरियाज जैसे कि एंटी डायबिटीज, PPI या प्रोटोन पंप इनहिबिटर्स, सेंट्रल नर्वस सिस्टम्स, ये अलग अलग थेरेपीज पे भी कॉन्सेंट्रेट करने वाला है। पर इन सब के अलावा जो यहाँ पे सबसे इंटरेस्टिंग चीज है ना, वो ये है तो आने वाले 2 सालों में लॉरस लैब 20% से ज्यादा की CAGR से सेल्स ग्रोथ टारगेट कर रहा है, फ्रॉम 5000 करोड़ टू 7500 करोड़। और ये बहुत ही पॉजिटिव साइन है बिजनेस विजिबिलिटी के टर्म्स में। तो अगर आपको ये बिजनेस विजिबिलिटी का छोटा सा पर बहुत ही पावरफुल पॉइंट समझने में आसान लगा है, तो मेरे साथ साथ YouTube को भी इंडिकेशन दे दीजिए नीचे वाला वो लाइक बटन दबा के। रिसेंट कोविड पेंडेमिक ने दुनिया का पूरा नजरिया ही बदल के रख दिया है जहां तक हेल्थ केयर की बात है, और इसका सबसे बड़ा बेनिफिशियरी रहने वाला है फार्मा सेक्टर। और आने वाले टाइम में फार्मा सेक्टर के की ड्राइवर्स कौन कौन से रह सकते हैं, वो मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ ये सेक्शन में। हमारे आसपास क्रोनिक डिजीजेस जैसे कि डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीजेस, इन सब के ऑकरेंस बहुत बढ़ गए हैं, और ये फैक्ट को हम और आप कितना भी नापसंद करें, ये बहुत बड़ा सच है। और इनको मैनेज करने के लिए एक अच्छे फार्मा सेक्टर का होना बहुत जरूरी है। सिर्फ इतना ही नहीं, इंडिया का API सेक्टर एक बहुत बड़ा बेनिफिशियरी रहने वाला है China+1 पॉलिसी के चलते। ये पॉलिसी के चलते दुनिया के बाकी देश चाइना के साथ साथ इंडिया से भी API प्रोडक्ट्स सोर्स करेंगे, जिसका ये सेक्टर बेनिफिशियरी रहने वाला है। आने वाले सालों में पॉपुलेशन की एज भी बढ़ेगी, और जैसे जैसे एल्डरली पॉपुलेशन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा, एक एक्टिव फार्मा का होना बहुत जरूरी है। इन सब के अलावा राइजिंग डिस्पोजेबल इनकम के चलते पॉपुलेशन अपने आप अच्छे फार्मा या हेल्थ केयर सर्विसेज को अवेल करेगा, और ये सारे ड्राइवर्स फार्मा इंडस्ट्री और API इंडस्ट्री को बूस्ट करेंगे। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और ये देखते हैं कि API सेक्टर में हेडविंड्स कौन कौन से हैं। अब आपके माइंड में आ रहा होगा, हेडविंड्स ये किस बला का नाम है? तो दोस्तों, अगर कोई फाइनेंशियल एनालिस्ट ये जार्गन आपके सामने थ्रो करे कि ये सेक्टर में बहुत सारे हेडविंड्स हैं, तो सरल भाषा में उसका ये मतलब है कि वो बिजनेस में बहुत सारे चैलेंजेस प्रेजेंट है। इंग्लिश भाषा में हेडविंड्स का मतलब है अगेंस्ट द विंड, और बिजनेस के टर्म्स में यहाँ पे ये मतलब है कि वो बिजनेस अनफेवरेबल एनवायरमेंट्स में ग्रो करने की कोशिश कर रहा है। तो अगर आपको ये हेडविंड वाला एग्जांपल समझने में सिंपल लगा है,
तो वो नीचे वाला लाइक बटन दबा के मुझे इंडिकेशन दे दीजिए कि आने वाले वीडियोस में भी मुझे ऐसे ही जार्गन्स बर्स्ट करने हैं। तो जहां तक लॉरस लैब के स्टॉक की बात है तो यहां पे कुछ करेक्शन देखने मिली है, क्योंकि यहां पे कुछ चैलेंजेस या हेडविंड्स है। रिसेंट चाइना पावर क्राइसिस के चलते एपीआई इंडस्ट्री में जो रॉ मटेरियल होते हैं, सरल भाषा में जो केमिकल्स लगते हैं ना, उनके प्राइजेस इंक्रीज हो गए हैं, और इसी के चलते एपीआई स्टॉक्स के बिजनेस पे आने वाले टाइम में थोड़ा सा प्रेशर रह सकता है। सिर्फ इतना ही नहीं, इसके साथ साथ फ्रीट या लॉजिस्टिक्स का खर्चा, मतलब केमिकल लाने की कॉस्ट, पैकेजिंग का खर्चा, ये सारे एक्सपेंसेस भी एपीआई कंपनीज के बढ़ गए हैं रिसेंटली। पर एज अ इन्वेस्टर यहाँ पे एक बात हमारे ध्यान में रखना बहुत जरूरी है कि एक तो सबसे पहले ये सारे शॉर्ट टर्म फिनोमिनन है, ये सारे रॉ मटेरियल पे प्रेशर है, ये डिमांड का प्रॉब्लम नहीं है। तो ऐसे शॉर्ट टर्म प्रेशर्स और करेक्शंस बहुत अच्छा मौका देते हैं वो स्टॉक्स ऐड करने का अपने पोर्टफोलियो में जो फंडामेंटली बहुत साउंड है एपीआई के सेगमेंट में। हालांकि ये किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है, और इनफैक्ट चाइना के इशू का इम्पैक्ट मार्केट पे कितने महीने रहेगा इसका भी अंदाजा लगाना बहुत डिफिकल्ट है। तो अगर आप इन जनरल किसी भी एपीआई स्टॉक के इन्वेस्टर हो तो थोड़ा सा यहाँ पे पेशेंस रखना बहुत जरूरी है। इसके अलावा इन जनरल फार्मा एक ऐसा सेक्टर है ना जहाँ पे बहुत स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस होते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर आप यूएसए जैसे रेगुलेटेड मार्केट्स में ऑपरेट करते हो तो आपको बहुत ही स्ट्रॉन्ग यूएसएफडीए अप्रूवल्स लगते हैं। तो जस्ट इन केस यहाँ पे अगर कोई एडवर्स फाइंडिंग या ऑब्जर्वेशन आई तो वो आपके बिजनेस और सेंटिमेंट के साथ साथ स्टॉक प्राइस को भी बहुत इम्पैक्ट कर सकता है। तो ये रेगुलेटरी रिस्क किसी भी इन्वेस्टर के ध्यान में होना बहुत जरूरी है। अब अगर मैं लॉरस लैब के फाइनेंशियल्स की बात करूं तो ये कंपनी ने पिछले 3 साल में एवरेज 33% से सेल्स ग्रोथ और इसी पीरियड में 80% की CAGR से प्रॉफिट ग्रोथ दिखाई है, विच इज वेरी प्रॉमिसिंग। लॉरस लैब का रिटर्न ऑन इक्विटी 45% के अराउंड है, इनका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 39% के अराउंड है, विच इज अगेन अ वेरी गुड नंबर। लॉरस लैब्स के अगर मैं वैल्यूएशंस भी कंपेयर करूं डीवीस लैब से, जो इनके बिजनेस को बहुत क्लोजली मैच करता है, तो यहाँ पे भी कुछ इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशंस है। लॉरस लैब का प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल 32 के अराउंड है, डीवीस लैब का प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल 67 के अराउंड है। तो दोस्तों ये यहाँ पे डीवीस के मुकाबले आधे से कम में मिल रहा है। सिर्फ इतना ही नहीं, लॉरस लैब का प्राइस टू सेल्स मल्टीपल भी 6 के अराउंड है, वहीं अगर मैं डीवीस लैब को कंपेयर करूं तो ये 19 के अराउंड है। तो यहाँ पे भी एक वैल्यूएशन कंफर्ट है दोस्तों। लॉरस लैब के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 32% के अराउंड है, जो बहुत अच्छे नंबर्स है। इनका डेट टू इक्विटी रेशियो 0.57 के अराउंड है, विच इज अगेन अ वेरी मैनेजेबल नंबर। चलिए दोस्तों मुद्दे की बात करें कि ये स्टॉक में मेरी पर्सनल इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी क्या है, पर वो शेयर करने से पहले एक डिस्क्लेमर, ये वीडियो या एनालिसिस किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। सो प्लीज कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर एनी इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। लॉरस लैब फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रॉन्ग बिजनेस है, नो डाउट शॉर्ट टर्म में अलग अलग इश्यूज के चलते इनके बिजनेस पे प्रेशर रह सकते हैं, बट ओवर द लॉन्ग ड्यूरेशन इनका बिजनेस बहुत प्रॉमिसिंग है। तो ऐसे करेक्शन और इश्यू बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी देते हैं ऐसे स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में ऐड करने का। हालांकि ये किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है, और इनफैक्ट मेरी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी आपसे अलग हो सकती है। एपीआई के बिजनेस की तरह ही केमिकल्स का भी एक ऐसा बिजनेस है ना जो बहुत इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे हमने कंपेयर किया है दीपक नाइट्राइट को अल्काइलामिन्स और नवीन फ्लोरिन के साथ, तो वो वीडियो भी जरूर देखिएगा, इसके बाद आपको डेफिनेटली पसंद आएगा।